नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ईबे पे किसी रिफर्बिश प्रोडक्ट को खरीदते हैं। इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक अच्छा रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीद सकोगे। आप किसी भी वेबसाइट से अगर रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो ये पॉइंट आपके काम आएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि आपको रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिफर्बिश प्रोडक्ट होता क्या है। रिफर्बिश प्रोडक्ट यूज प्रोडक्ट नहीं होते, जिनको हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट कहते हैं। ये वो प्रोडक्ट नहीं होते, ये प्रोडक्ट होते हैं जो शिपिंग के दौरान या किसी और कारण डैमेज हो जाते हैं, जिनका बॉक्स या बॉडी या अंदर का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है। तो इन प्रोडक्ट्स को वापस भेज दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर इसको रिपेयर करता है, इसमें जो फॉल्ट होते हैं उनको ठीक कर, और मैन्युफैक्चरर इन प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भेजता है रिफर्बिश्ड टैग के साथ। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट और भी होते हैं, जैसे डेमोज होते हैं। जैसे आप शोरूम में जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं डेमो के तौर पे। जब डेमोस्ट्रेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उन प्रोडक्ट को भी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट के तौर पे भेज दिया जाता है। इसी तरह अगर किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको वापस कर देता है बिना बॉक्स खोले या बॉक्स खोल के चेक करके, तो उन प्रोडक्ट्स को भी सेलर एज न्यू प्रोडक्ट्स सेल नहीं कर सकता है। तो उनको सेल करना होगा रिफर्बिश्ड के तौर पे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट सेकेंड हैंड प्रोडक्ट नहीं होते, यूज्ड प्रोडक्ट नहीं होते। बहुत लोग इनको खरीदने में डरते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अच्छे सेलर से खरीदते हो या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे एक बिग यस है, यस आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए और उसके बाद आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जब आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको वारंटी टाइप देखनी है। बेसिकली दो तरह की वारंटी होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरर वारंटी और एक होती है थर्ड पार्टी वारंटी, जैसे सेलर वारंटी। तो आपको हमेशा रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदना है मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ, जिससे क्या होगा कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आप ब्रांड के सर्विस सेंटर में जाकर उसको रिपेयर करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सेलर वारंटी के साथ आया होता है तो आप सर्विस सेंटर में जाकर रिपेयर नहीं करवा सकते, आपको सेलर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वो आपको बताता है कि रिपेयर कैसे होगा प्रोडक्ट। तो हमेशा मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ ही अपने प्रोडक्ट को खरीदें। और साथ में ये भी ध्यान दें कि वारंटी पीरियड कितना है। बेसिकली रिफर्बिश प्रोडक्ट के साथ वारंटी बहुत कम आती है, जैसे कि 15 से 30 दिन के लिए, कुछ के साथ 90 डेज या 3 महीने तक की आती है। लेकिन आपने रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदना है जिसके साथ मिनिमम 6 महीने की वारंटी हो। इससे क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे और अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको रिपेयर करवा पाओगे। लेकिन वारंटी पीरियड अगर कम होगा तो अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम आई तो आपको खुद के पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर वारंटी पीरियड ख़त्म हो चुका हो तो इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ ही प्रोडक्ट को खरीदें। दूसरे नंबर पे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपने ख़रीदना है एक रेप्यूटेबल सेलर से, ऐसे नहीं किसी से भी खरीद लेना है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हो एक अच्छे सेलर से खरीदें, उसकी रेटिंग देखें। जैसे ईबे पे आप देखोगे सेलर के नीचे आपको रेटिंग सेक्शन मिलता है, उस पर अगर आप टैप या क्लिक करोगे तो, और वहाँ कस्टमर अपना जिससे वो बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस सेलर के साथ कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, तो आपको वो रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए और हमेशा जिसकी रेटिंग अच्छी है उस सेलर से ही प्रोडक्ट खरीद। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ मैन्युफैक्चरर खुद रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि एप्पल, एचपी, डेल, एप्सन, ऐसे कुछ अच्छे ब्रांड है जो खुद रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। इन दैट केस अगर आप ऐसे किसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो डायरेक्टली उसकी वेबसाइट से खरीदने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा वारंटी पीरियड मिलेगा और एक अच्छा प्रोडक्ट रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा अच्छे डिस्काउंट के साथ। अभी नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, रिटर्न पॉलिसी देखनी होती है प्रोडक्ट की, कि अगर इन केस प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है तो क्या आप उसको वापस कर पाओगे। तो आपने ये भी बेसिकली क्या होता है कि रिफर्बिश प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। जब आप रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसको वापस नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें आप उनको वापस कर सकते हो। जैसे ईबे गारंटी के साथ जो प्रोडक्ट आते हैं, अगर आपने ईबे गारंटी के साथ किसी प्रोडक्ट को खरीदा है, जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो आप उसको वापस कर सकते हो, ईबे इसमें आपकी मदद करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिनकी रिटर्न पॉलिसी में ये हो कि अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको वापस कर पाएँ।
नेक्स्ट आपने देखना है एक्सेसरीज, जो एक्सेसरीज ओरिजिनल एक्सेसरीज आती है प्रोडक्ट के साथ वो होनी चाहिए। ये ना हो कि सेलर ने कोई अपने से कोई थर्ड पार्टी एक्सेसरीज उसके साथ ऐड कर दिए, ऐसा प्रोडक्ट मत खरीदें, ओरिजिनल एक्सेसरी वाला ही प्रोडक्ट खरीदें। अभी नेक्स्ट आपने प्राइस कंपेयर करना है, देखना है कि अगर आप नया प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में प्राइस डिफरेंस क्या है। अगर थोड़ा डिफरेंस है तो फिर आपको नया प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। इस टॉपिक पे और जानकारी के लिए मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हो जिससे आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कैसे खरीदना है और किन से खरीदना है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदते समय। तो अभी मैं आपको बताता हूँ रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदना कैसे है ईबे पे। अभी जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपको बताता हूँ आपने चेक कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने ईबे ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में, प्ले स्टोर से ओपन कर लें, अगर आपके पास आईफोन है तो उसके ऐप स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लें ऐप को, उसके बाद उसको ओपन करें और ऐप पे रजिस्टर कर लें। और उसके बाद आपने प्रोडक्ट सर्च करना है जो प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं। प्रोडक्ट सर्च करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही हैं, आप इन पे टैप कर सकते हो, यहाँ पे आपको फर्दर कैटेगरीज शो हो रही हैं, इनमें से आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑडियो एंड होम थिएटर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं होम थिएटर सिस्टम्स इस पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे आ गए हैं रेलेवेंट प्रोडक्ट। अभी मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सर्च कर सकता हूँ जो प्रोडक्ट मैंने बाय करना है। ऐसे ही आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और सर्च करना है प्रोडक्ट। यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हो अपनी सर्च को स्पेसिफिक बनाने के लिए, जैसे आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट आपने खरीदना है, जैसे यहाँ पे मैं फिलिप्स सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे फिलिप्स के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इन स्पीकर्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले हमें ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट मिल रहा है 5,499 रुपीज़ का, और जिसके साथ मुझे ये कूपन कोड अवेलेबल है 5000 रिफर्ब, जिससे मुझे 8% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा 5000 के करीब। तो अभी हम चेक करते हैं इसका ऑनलाइन प्राइस, इसके नए का क्या प्राइस है, अगर मैं नया खरीदता हूँ तो उस पर क्या प्राइस आता है, हम वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर एंटर करके सर्च किया है, तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये प्रोडक्ट का नए का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 7000 रुपये है, तो यहाँ पे मेरे 2000 रुपये सेव हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, मैं वापस जाता हूँ ईबे पे, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था हमने डिटेल्स चेक करनी है, इसके लिए हम आइटम डिस्क्रिप्शन इस पर टैप करते हैं। यहाँ पे आ गई है प्रोडक्ट की डिटेल्स, यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, इसमें क्लियरली मेंशन किया होगा कि क्या फॉल्ट था प्रोडक्ट में और इसमें वारंटी कितनी मिलेगी। यहाँ पे ये देखिए, इस प्रोडक्ट के साथ मुझे 6 मंथ मैन्युफैक्चरर वारंटी मिल रही है। यहाँ पे ये देखिए, सेलर वारंटी नहीं है, मैन्युफैक्चरर वारंटी है, और मैंने आपको बताया है मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ ही आपने प्रोडक्ट खरीदना है। तो ओके, अभी हम जाते हैं बैक। यहाँ पे ये देखिए, इस सेलर की जो रेटिंग है 92.4 है, 7,787 लोगों ने इसको फीडबैक दी है, और जिसकी एवरेज निकली है 92.4, जिसका मतलब है कि ये सेलर ट्रस्टेबल है, जिससे हम अच्छा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए बाय इट नाउ इस पर टैप करता हूँ। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस एंटर करना है, मैंने ऑलरेडी एंटर कर रखा था। तो यहाँ पे ये देखिए, हैव अ कूपन अप्लाई हेयर, वहाँ पे नीचे कूपन दिया गया था 5000 रिफर्ब, हम वो यहाँ पे एंटर करेंगे और हमें 8% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब आप बाय कर रहे हो, अगर कोई कूपन कोड अवेलेबल है तो उसको यहाँ पे एंटर कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर लेता हूँ और अप्लाई पे टैप करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मुझे 439 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया है। तो अभी मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे अभी हम टैप करेंगे प्रोसीड टू पे पे। अभी यहाँ पे आपके पास आ गए हैं ऑप्शंस, अगर आप UPI भीम ऐप यूज़ करते हो तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। इस पर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं भीम ऐप पे कि कैसे इस पर रजिस्टर करना है, कैसे इस पर पैसे भेजने,
आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। नेट बैंकिंग अगर यूज़ करते हो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर लें, वॉलेट यूज़ कर लें, यहाँ से कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे आसान मेथड आपको बताता हूँ, डेबिट कार्ड जिसको हम एटीएम कार्ड कहते हैं उससे पेमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। यहाँ पे अभी हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है हमारा डेबिट कार्ड का टाइप। अगर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड है तो हमें पहली फील्ड सेलेक्ट करनी है। आपके कार्ड के ऊपर ही इशूअर का नाम लिखा होता है, जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, जो भी कार्ड लिखा है आप वो कार्ड सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरा रुपए कार्ड है तो मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी पे नाउ पे टैप करना है। तो यहाँ पे अभी आपने अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे आपके कार्ड का नंबर, फिर कार्ड पे जिसका नाम है वो एंटर करना है आपने। एक्सपायरी डेट, आपके कार्ड के ऊपर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो एंटर कर दें। CVV नंबर, जब आप अपने कार्ड को उल्टा करोगे मैग्नेटिक स्ट्रिप के नीचे कुछ डिजिट लिखे होते हैं, लास्ट वाले 3 डिजिट आपका CVV नंबर होता है, वो एंटर कर दें। और सारी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपने पे नाउ इस पर टैप करना है। अभी पेमेंट कंफर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आएगा वन टाइम पासवर्ड मेरे मोबाइल नंबर पे, जो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं इसको एंटर करके यहाँ पे सबमिट पे टैप करता हूँ। दैट इज़ इट, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे अभी हमने सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस कर दिया है ईबे पे। यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है उसकी डिटेल्स हैं। अभी जब ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिफर्बिश प्रोडक्ट कैसे होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, उनमें फॉल्ट क्या क्या आते हैं जब डिलीवर होते हैं। ओके, आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करके ईबे पे कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, चाहे वो रिफर्बिश हो या न्यू हो, प्रोसीजर यही रहेगा। और अगर आप रिफर्बिश प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो जो मैंने टिप्स बताई हैं इसमें वो हमेशा फॉलो करें, आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा और आप अपने अच्छे खासे पैसे सेव कर पाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।